तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो जरूर देखा होगा। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर ये आया है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं इतिहास विषय का, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ऐसा कैसे आपको परीक्षाओं में देखने को मिले। तो इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है इतिहास विषय का, ये जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, तो दोस्तों इसका हमारे द्वारा पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिखा दिए गए थे और दोस्तों आप इसका पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक का बना लिया गया है। तो चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 11वीं इतिहास विषय की, उसमें दोस्तों कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है कक्षा 11वीं इतिहास विषय का। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपका कक्षा 11वीं इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको कैसे तैयार कर लेना चाहिए। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलेगा दोस्तों, देखते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से सर्वप्रथम दो दो अंक वाले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जैसे अरब में राजतंत्र की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और इसके अलावा अगला ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसका रिविज़न जरूर अच्छे से करके जाए, ये आपके पेपर में जो वायरल क्वेश्चन पेपर है उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इसलिए हमारे द्वारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है। इसलिए आप सब लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है तो आप सब लोग दोस्तों इसको याद कर लेंगे। चलेगा दोस्तों, मैं आपको शुरू से ही दिखा देता हूँ वन बाई वन करके, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये तीन तीन अंक वाले क्वेश्चन हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, पर आपको मैं बताता चलूँगा कि कितने अंक के क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, आदिकालीन मानव के सीधे खड़े होने से क्या क्या लाभ हुए स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर लिखा गया है, आप आसानी से दोस्तों इसके उत्तर को नोट कर सकते हो। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा वर्ष वृत्तांत इतिहास का प्रमुख स्रोत क्यों माने जाते हैं, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, मानव उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए, तो इस वाले क्वेश्चन को भी दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल ही पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिविज़न जरूर अच्छे से कर लेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपके पेपर में भी आएगा, तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें और इसके उत्तर को भी याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ भी लें और इसको याद कर लें, आग के प्रयोग से मानव को कौन कौन से लाभ हुए। तो देखिएगा दोस्तों, आग के प्रयोग से मानव को कौन कौन से लाभ हुए, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा दोस्तों इसको हल करके आप लोग पढ़ लें और इसको याद कर लें। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, होमो क्या है, इसकी प्रजातियाँ कौन कौन सी है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें। यहाँ पर दोस्तों मेरे द्वारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इसलिए आप सब लोग इनको देख लेंगे और याद कर लेंगे। ये कुछ ऐसे छोटे टाइप के क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो उनको याद करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर दोस्तों यहाँ पर जो जो मैं आपको टिक लगा के बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को याद कर लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है, ये कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे पूरा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे, तो आप लोग इसको देख लें और इसको याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन दिया गया है, मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएँ कौन कौन सी थी, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको दोस्तों बिल्कुल याद कर लेना है, आप एक बार इसका रिविज़न करके ज़रूर जाए, ये पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग इसका रिविज़न जरूर अच्छे से कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसका भी रिविज़न कर लें, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख दो विशेषताएँ बताइए,
तो यहाँ से दोस्तों आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख दो विशेषताएँ बतानी हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इसको तैयार कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किलाकारी से आप क्या समझते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यूनान एवं रोमन साम्राज्य की संस्कृति पर जीवन पर प्रकाश डालिए, तो ये वाला आप क्वेश्चन याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, रोमन शहर का ग्रामीण समुदाय जन से संबंध क्या है, विवेचना कीजिए। और उसी के अलावा आगे आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल आपके पेपर में आ चुका है, सीनेट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी ये आपको बताना। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर इसका पूरा का पूरा उत्तर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से दोस्तों आप लोग इस जगह से इन क्वेश्चन को याद कर लेंगे, तो देखिएगा फातिमदीद कौन था, धर्मयुद्ध से क्या आशय हैं, देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी दोस्तों दो दो अंक वाले क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो इनको भी याद कर सकते हो। और एक ये वाला क्वेश्चन जरूर आप लोग याद कर लेंगे, काबा क्या है, देखिएगा दोस्तों मक्का के मुख्य धर्म स्थल का ढांचा घनाकार था जिसे काबा कहा जाता है, इसमें बुत रखे हुए थे, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा पैगंबर साहब की मुख्य शिक्षाएँ क्या थी, अल्लाह खुदा की नियति, नियमित आराधना करना, नैतिक सिद्धांत, घेराट बांटना, चोरी न करने इत्यादि का पालन करना, तो ये दो नैतिक शिक्षाएँ उनकी थी। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है, मक्का शहर के महत्व को समझाइए, मक्का शहर में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए ये बहुत महत्व रखता है संपूर्ण इस्लाम धर्म के लिए, ये सभी के सभी दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, अब्बासी क्रांति क्या है दोस्तों, और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन, उलेमा कौन थे, इस्लाम के उदय के विस्तार को समझाइए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं, वैसे आप चाहे तो इसमें से कम 5 पॉइंट जरूर याद कर लें, या और भी हो सके तो आप कम से कम 4 जरूर याद करें। तो दोस्तों देखिएगा इसी के अलावा अरब सभ्यता की विश्व को क्या देन है, देखिएगा दोस्तों क्या क्या देन है अरब सभ्यता की विश्व को, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ लोगे। और उसी के अलावा ये क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट दो दो अंक वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, चंगेज खां का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मंगोल कौन थे, चंगेज खां के समुद्री खां की उपाधि क्यों दी जाती है। और उसी के अलावा चंगेज खां के वंशजों ने किस प्रकार उनके विश्व विजय के स्वप्न को पूरा किया। इसके अलावा ये बबेरियन कौन था, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन और उनके उत्तर मेरे द्वारा यहाँ तक दिखा दिए गए हैं, तो आप सभी लोग दोस्तों इसका सोल्यूशन तैयार कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं, आप सभी को हमारी तरफ से आपकी परीक्षा को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा दोस्तों आपको मैं पुनः दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल थे, तो इसलिए मैंने इन सभी के दोस्तों उत्तर तैयार कर दिए हैं। अब दोस्तों ये पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं आप स्वयं पढ़ लीजिएगा इनको, और दोस्तों ये तो आपको पेपर देने के बाद में ही पता चलेगा कि दोस्तों ये जो वायरल क्वेश्चन पेपर था ये रियल था या कैसा था। तो आप सभी लोग दोस्तों इसको आईएनटी क्वेश्चन मानकर ही समझे, आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये पूरे के पूरे आपके पेपर में आ जाएंगे, तो अगर आए गए तो पूरे भी आपको आ सकते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं, मगर फिर भी आप अपने हिसाब से पढ़ाई करें, और आपको अगर समय मिलता है तो इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें आप पढ़कर जा सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, नमस्कार।